जैन बेटा, आज के करंट अफेयर लेके हम दोबारा आ गए हैं। आपको वो सारे करंट अफेयर्स में कंपाइल करने की कोशिश करती हूँ डेली, जो पिछले 2-3 दिनों में हुए हो और आपके आने वाले एग्जामिनेशन में, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो ना, केवी से रिलेटेड रख लो, डिफेंस से रिलेटेड रख लो, या अपना पीसीएस से रिलेटेड कोई भी एग्जाम आप रख लो बेटा, ये सारे करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपको बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है। पहला क्वेश्चन है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड, ओके, कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द अरोनी पहल ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, कि कौन से स्टेट ने बेटा ये ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया, उसका नाम है अरोनी पहल, मतलब पहल है, स्टार्ट है किसी भी चीज़ की। ठीक है, तो ये स्टार्ट किया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने, और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने बेटा ये 746 आपके जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है वहाँ पे इसको शुरू किया है। और इसमें उनको क्या दिया जाएगा बेटा, इसमें उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी। किससे रिलेटेड आप समझ सकते बेटा, यहां पे जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी ना, उनको सेल्फ डिफेंस की, अपने आप को, अपने सेल्फ को आपने कैसे बचा के रखना है, अलोंग विद दिस को करिकुलर एक्टिविटीज लाइक जैसे आपको डिबेट करना है किसी भी चीज में, डेक्लामेशन, जिससे उनका कॉन्फिडेंस और ज्यादा इंक्रीज हो। तो उसमें बेटा ये अरोनी पहल उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने शुरू किया है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, कि हु वॉज नेम्ड एज, ठीक है, हु वॉज नेम्ड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ इनसोल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है ना, इनसोल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में तो आप जानते ही हैं कि यहाँ पे ऐसी कंपनीज जो बैंकरप्ट हो जाती है, दिवालिया निकल जाता है, उनसे रिलेटेड चीजों को देखा जाता है। 2016 में बेटा इसकी फॉर्मेशन, इसको फाउंड किया गया था। ठीक है, आंसर आपको देना है कि इसका न्यू चेयरमैन जो है वो कौन बना है। देन न्यू चेयरमैन इज रवि मित्तल। कौन बने बेटा, नए चेयरमैन जो है दैट इज रवि मित्तल, है ना। तो ये क्वेश्चन आपके लिए जो है बेटा वो भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है कि हु इनॉग्रेटेड इंडिया एनर्जी वीक 2023 इन बेंगलुरु, विच इज बीइंग हेल्ड फ्रॉम 6 to 8 फरवरी 2023, है ना। आपके 6 फरवरी से लेके बेटा 8 फरवरी तक इंडिया एनर्जी वीक 2023 अभी अभी जो है बेटा वो सेलिब्रेट किया गया। और एनर्जी की बात अगर हम करें ना बेटा, अगर हम एनर्जी की बात करते हैं तो हमें पता है कि हमारे पास 2 तरह के सोर्सेज होते हैं एनर्जी के, जिनको हमें डेवलप करना अब बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो चुका है। जैसे आपके एक सोर्सेज होते हैं बेटा कन्वेंशनल, कौन से हैं, कन्वेंशनल, और दूसरे वाले सोर्सेज कौन से बेटा, नॉन कन्वेंशनल, कौन से हैं, नॉन कन्वेंशनल। अभी जो हम बात कर रहे हैं सोर्सेस ऑफ एनर्जी की, इसको हम रिलेट कर सकते हैं बेटा किसके साथ, क्लाइमेट के साथ। आपको पता है हमारा वातावरण बहुत बदल रहा है और इसी के ऊपर इतने सारे सबमिट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, इतनी सारी चीजें हो रही हैं, वो सारी की सारी हमारी किसके ऊपर है बेटा, क्लाइमेट के ऊपर है। ठीक है ना, तो अगर एनर्जी की मैं बात करूं तो एनर्जी के सोर्सेस कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल और रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। जो कन्वेंशनल होंगे बेटा वो कैसे होंगे, दीज विल बी नॉन रिन्यूएबल, उनको आप दोबारा दोबारा यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, और जो नॉन कन्वेंशनल होंगे ये कैसे होंगे, रिन्यूएबल, आप उनको दोबारा दोबारा यूज कर सकते हो। जैसे कन्वेंशनल सोर्सेज हम किसे बोल सकते हैं बेटा, जिनको हम बहुत लॉन्ग टाइम से क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, बहुत लॉन्ग टाइम से क्या कर रहे हैं बेटा, यूज कर रहे हैं। और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज को, जिन जिन सोर्सेज को हमने रीसेंट टाइम में यूज करना शुरू किया, जैसे आपका सोलर एनर्जी, जैसे आपकी बेटा विंड एनर्जी, ये सारे के सारे नॉन कन्वेंशनल है। और कन्वेंशनल में आपका पेट्रोलियम, एलपीजी, फ्यूल वुड या गोबर के उपले बना लेते हैं, ये सारे के सारे जो है बेटा, मतलब फ्रॉम द वेरी लोअर लेवल टू हायर मैं आपको बता रही हूँ। तो आपने बताना है कि इस मीटिंग का जो 6 to 8 फरवरी में हुई इनॉग्रेशन किसने किया, इसका इनॉग्रेशन किया बेटा आपके देश के प्रधानमंत्री ने, जिनका नाम है नरेंद्र मोदी, बताने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक बार देखते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को हम देखेंगे जिसमें से आपको पेपर में क्वेश्चन जो है ना बेटा वो आ सकता है। ठीक है, तो लेट्स सी कि कौन सी इंफॉर्मेशन जो है बेटा आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट है।
सबसे पहले आपने देखना है कि दैट इज एक्चुअली इनॉग्रेटेड द एनर्जी वीक 2023 इन बेंगलुरु, ठीक है ना, बेंगलुरु में इसको किया गया। और आप एक चीज बेटा यहां पे देखना, इट एम्ड टू शोकेस द इंडियाज राइजिंग पावर्स एज एन एनर्जी ट्रांजिशन पावर हाउस। याद रखना, इंडिया की जो ट्रांजिशन हो रही है, जो इंडिया का क्या हो रहा है बेटा, एनर्जी में चेंज हो रहा है। एनर्जी में आप चेंज से किस चीज के साथ ले लोगे बेटा, ग्रीन हाइड्रोजन के साथ, और साथ में आप इसको ले लोगे बेटा बायोफ्यूल के साथ। समझ में आ गया? तो ये जो ट्रांजिशन हो रहा है इसको यहां पे शो किया जाएगा। साथ में ही जितने भी लीडर्स हैं फ्रॉम द ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल, जो अभी मैंने आपको बोला कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल, जो ट्रेडिशनल है वो कन्वेंशनल है, जो नॉन ट्रेडिशनल है वो नॉन कन्वेंशनल है, ठीक है ना। एनर्जी इंडस्ट्री, इसमें गवर्नमेंट और तो एकेडमिया, जितने भी इंटेलेक्चुअल पीपल है वो साथ में आएंगे और इसको डिस्कस करेंगे क्या चैलेंजेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि हम एनर्जी को ट्रांजिट कर सकते हैं, चेंज बेटा वो कर सकते हैं, ठीक है। इसको एक्चुअली में 30 मिनिस्टर अक्रॉस द वर्ल्ड, आपने ये भी याद रखना है कि 30 मिनिस्टर्स ने अक्रॉस द वर्ल्ड इस मीटिंग को एक्चुअली में बेटा क्या किया, इसमें पार्टिसिपेट किया, ठीक है ना। 30,000 डेलीगेट्स, 30 मिनिस्टर्स थे पूरे वर्ल्ड से, उन और डिफरेंट कंट्रीज और अपनी कंट्री से भी 30,000 डेलीगेट्स थे। 1,000 एग्जीबिटर्स, मतलब जिन्होंने अपनी अपनी चीज़ें दिखाई कि हम ये कर सकते हैं, ये जो भी है एग्जीबिशन की तरह। एंड 500 स्पीकर्स, ये सब गैदर हुए तो डिस्कस द चैलेंजेस की क्या चैलेंजेस है, क्या अपॉर्चुनिटी है, इंडिया इसमें कैसे काम कर सकता है, ठीक है। समझ में आ गया? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पे फोकस किया गया, दैट इज आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत के बारे में तो आप जानते ही हैं कि अब जो भी चीज प्रोड्यूस की जाएगी बेटा वो इंडिया में ही प्रोड्यूस की जाएगी, सो दैट हम थोड़ा सा अपने में सेल्फ डिपेंडेंट जो है वो हो सके, ठीक है ना। और साथ में बात करेगी बेटा ग्रीन एनर्जी की, किसकी बात करेगी बच्चे, ग्रीन एनर्जी की बात करेगी। और उससे भी इंपॉर्टेंट, जो गवर्नमेंट एम्स टू अचीव द कंप्लीट 20% ब्लेंडिंग ऑफ इथेनॉल बाय 2025। 20% ब्लेंडिंग मतलब आपके जो ऑयल है, जो अभी आप कन्वेंशनल सोर्सेज है ऑयल के, उसमें इथेनॉल को डाल के 2025 तक 20%। तो आप समझ सकते हो कि हम पेट्रोलियम पे, इन सब पे कितना ज़्यादा डिपेंडेंसी जो है हमारी कम हो जाएगी, ठीक है बेटा। चलो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है कि सिक्स आपकी जो सिक्स शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं SCO, इसकी सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस की मीटिंग हुई, ठीक है ना। उसको जो था आपके कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने क्या किया बेटा, उसको इनॉग्रेट किया। कब इनॉग्रेट किया? 6 फेब को। सबसे पहले आपको बताना है कि हु इज अ कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ योर कंट्री, जिन्होंने इसको इनॉग्रेट किया, ठीक है ना। दैट इज द गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है बेटा वो? गिरीश चंद्र मुर्मू, जिन्होंने इस मीटिंग को इनॉग्रेट किया 6 फरवरी को। आपको बताना है कानपुर में, मुंबई में, लखनऊ में या आपके अहमदाबाद में, ठीक है ना। अगर बेटा हम SCO की बात करते हैं, शंघाई कोऑपरेशन ऑफ इंडिया, सॉरी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, नॉट इंडिया ऑर्गेनाइजेशन। अब इंडिया इंडिया बोलते हैं ना तो हमारे दिमाग में एकदम वो जो है इंडिया का ही नाम जो है ऑलवेज जो है बेटा वो घूमता रहता है, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि ये बनी कब थी, तो 1 जून, ठीक है ना। कब बनी थी बेटा इसकी जो शंघाई आपकी कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है ना, इंडिया भी जो है बेटा इसका क्या है, एक पार्ट है। इंडिया इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस। 1 जून 2001 को बनी थी, फाउंडिंग मेंबर में नहीं थे, बाद में इंडिया और पाकिस्तान जो थे बेटा इसका पार्ट बने थे, ठीक है। इसका मेन काम ही क्या है, ये आपकी एक सबसे बड़ी यूरेशियन एक पॉलिटिकल आप समझ सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशन है, और वर्ल्ड में देखा जाए तो इस तरह की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में बेटा ये काउंट होती है, क्योंकि इसमें चाइना, पाकिस्तान, इंडिया सबसे हाईली पॉपुलेटेड कंट्रीज है बेटा वर्ल्ड में जो इसमें आती हैं, ठीक है ना। तो लार्जेस्ट आप समझ सकते हो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस में ये काउंट होती है, जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है बेटा, ठीक है ना। और इसी के अंडर चाइना जो है वो रेड्स रोड एंड बेल्ट एंड रोड आपका जो उसका जो इनिशिएटिव है, जिसमें LOC के भी वहां से वो रास्ता लेके गया है, जिसकी वजह से इंडिया और चाइना के बीच में रिलेशन जो है बेटा बहुत ज्यादा खराब हो गया, ठीक है। तो यहां पे देखेंगे
कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग को इनॉगरेट किया। कहाँ पे किया बेटा? लखनऊ में किया, ठीक है ना। आपने यहाँ पे देखना है कि टोटल कितने मेंबर्स हैं इसके, 8 कंट्रीज, ठीक है। 8 कंट्रीज में आगे बताऊंगी आपको कौन सी वाली 8 कंट्रीज है। टोटल 8 कंट्रीज में से पार्टिसिपेट किसने किया? कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, कर्गिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, मतलब ये सारी कंट्री ने इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया अलॉन्ग विद इंडिया। तो 8 में से कितनी कंट्रीज होगी? 5 जिन्होंने टोटल इसमें पार्टिसिपेट किया, और बाकी कंट्रीज कौन कौन सी नहीं है हम देखते, जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। समझ में आ गया बेटा, ठीक है ना। और इसमें अगर आप समझो बेटा तो इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन ऑडिट। आप ये समझ सकते हो कि ये इसकी थीम है, याद रखना है आपने। इंटीग्रेटिंग मतलब जितनी भी टेक्नोलॉजीज एमर्ज हो रही है, किस में एमर्ज हो रही है? आपके ऑडिट में, और जितना भी कंट्री में ऑडिट करना हो कि कहाँ पैसा गया, ये सब कुछ, तो ये इसकी बेटा थीम थी, ठीक है ना। और टोटल कंट्रीज ने जो इसमें पार्टिसिपेट किया वो क्या है आपकी, टोटल नेशंस हैं, दीज आर 5, मतलब इंक्लूडिंग इंडिया। और वैसे आपके एससीओ में टोटल कंट्रीज जो आती है ना बेटा, वो कितनी आती है? 8 आती है। कौन कौन सी कंट्रीज हैं ये मैप पे आपको पूरा देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी रशियन फेडरेशन, जिसकी कैपिटल मॉस्को है और लैंग्वेज जो है बेटा दैट इज रशियन। प्रेसिडेंट तो आपको पता है व्लादिमीर पुतिन है, ठीक है। पुतिन का नाम तो भूल ही नहीं सकते जब से यूक्रेन के साथ लड़ाई में जो है वो इंडल्ज हो गया। फिर आपकी कजाकिस्तान है, ठीक है ना। उसके बाद आपके कर्गिस्तान, उसके बाद आपकी उज्बेकिस्तान, फिर तजाकिस्तान, इंडिया, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना। दीज आर द कंट्रीज जो इसके पूरे की पूरी क्या है बेटा, इस आपकी एस सी ओ की 8 कंट्रीज है। इसमें आपके डायलॉग पार्टनर्स भी और कंट्रीज, अभी ईरान जो है वो भी इसका पार्ट बनने जा रही है। आपको पता ही है कि दिस ईयर इंडिया, इस साल जो बेटा वो इंडिया जो है इसका प्रेसिडेंट होगा शंघाई ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है ना। प्रेसिडेंसी इंडिया के पास आएगी और उसी टाइम में ईरान विल ज्वाइन दिस ऑर्गेनाइजेशन, ईरान भी इसको ज्वाइन करेगा, ठीक है ना। समझ में आ गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश वुड रिसीव द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम गॉड पावर प्लांट इन विच स्टेट फ्रॉम द मार्च 2023। मतलब बांग्लादेश को बिजली मिलना शुरू हो जाएगी हमारी कौन सी इंडियन स्टेट से बेटा, ठीक है ना, के कौन सी पावर प्लांट जिसका नाम है गॉड पावर प्लांट, और वो कहाँ पे है? वो है आपके झारखंड में। कहाँ पे है बेटा? झारखंड में, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप देखें ना बच्चे इसको, तो यहाँ पे आपको ये पता लगेगा कि ये एक्चुअली में जो पावर प्लांट है दैट इज मैनेज्ड बाय अडानी, और इनको दो मतलब उसमें जैसे यहाँ पे आप देखो कि 750 मेगावाट पावर विल कम इन द फर्स्ट यूनिट ऑफ द अडानी पावर प्लांट, और बाद में 750 मेगावाट पावर विल कम फ्रॉम द सेकंड यूनिट दैट इज द गॉड पावर प्लांट इन अप्रैल। तो इनको बांग्लादेश को जो इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी तो एक 750 मेगावाट अडानी से, और 750 जो है बेटा दैट इज फ्रॉम द गॉड पावर प्लांट। समझ में आ गया, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो फ्रेंडशिप है मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है उसके लिए, और उनकी नेसेसिटी भी है। और बांग्लादेश की तो अभी उसने यूएनओ ने भी बहुत तारीफ करी है, वर्ल्ड बैंक ने स्पेशली, कि उन्होंने पाकिस्तान से अलग होने के बाद जो उनकी कंट्री की कंडीशन थी उसमें वो बहुत तेजी से जीडीपी में इंक्रीज करा है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन रेलवे लॉन्चेस व्हाट्सएप फूड डिलीवरी फैसिलिटी ऐप, कि इंडियन रेलवे ने बेटा व्हाट्सएप फूड डिलीवरी ऐप जो है वो लॉन्च करी है, और उस ऐप का नाम क्या है? ज़ूप, ठीक है। याद रखेंगे बेटा द नेम ऑफ द ऐप इज ज़ूप, जो किसने लॉन्च करी है बेटा? इंडियन रेलवे ने, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन आपको जैसे अभी आप अग्निवीर का पेपर दोगे या ऑर्डिनेंस का भी पेपर निकला है, पोस्ट ऑफिस के कुछ ऐसे एग्जाम्स हो, जो भी हो ना बेटा, आपको इस तरह के क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, सिंपल ऐसे जो बिल्कुल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है आपका। अगला क्वेश्चन है बेटा दैट इज कि द रिटेल
Which retail has become the first Indian retailer to introduce the central bank digital currency? आपको पता है कि RBI ने डिजिटल करेंसी जो है वो इंट्रोड्यूस करी है इंडिया की. अभी तक हम इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं उतने लेवल पे. लेकिन कौन से ऐसे रिटेल है, रिटेल तो आपको पता ही है ना, जैसे हम दुकान पे गए और हमने सामान खरीद लिया, तो आपका रिलायंस रिटेल है, डी मार्ट है, फ्यूचर रिटेल है, या वी मार्ट रिटेल है बेटा, ठीक है. तो आपका जो रिलायंस रिटेल है उसने सबसे पहले ये डिजिटल करेंसी को बोला है कि हम फोन से पे कर दिया, कुछ पे कर दिया, अगर आपके पास डिजिटल करेंसी है तो आप सामान भी खरीद सकते हैं. समझ में आ गया बेटा? तो यहां पे एक बार इसको जो है वो जरूर आपने देखना है. एक मिनट, दैट इज कि रिलायंस रिटेल हैज बिगन एक्सेप्टिंग द डिजिटल रुपीज इन स्टोर्स, प्रोवाइडिंग द सिग्निफिकेंट बूस्ट टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल करेंसी प्रोजेक्ट. मतलब अगर आपके फोन में बेटा ये डिजिटल करेंसी है तो आपको कोई सामान खरीदना ना तो आप उसको भी पे कर सकते हैं. तो समझ सकते हो कहीं ना कहीं बूस्ट मिलेगा आने वाले टाइम में. हो सकता है यही करेंसी जो है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है बेटा वो हो जाए, ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं. व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन कि हु अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट. ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है. ऑफ द 5 न्यू सुप्रीम कोर्ट जजेस ऑन द 4th February 2023. हम सबको पता है कि हमारी कंट्री में जो जजेस की अपॉइंटमेंट होती है उसको कौन करता है बेटा? प्रेसिडेंट, ठीक है ना. कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ योर कंट्री. तो ऑब्वियस है कि द्रौपदी मुर्मू आपके कंट्री की प्रेसिडेंट है, तो उन्होंने ही ये अपॉइंटमेंट्स करी हैं बेटा, 5 न्यू जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये तो बड़ा चर्चा में रहा, अगर आपने पीछे जैसे कभी देखा भी होगा, ठीक है ना, कि व्हाट वाज द क्वेश्चन. क्वेश्चन नहीं बट ये इंसिडेंट जो था बेटा, एक मिनट जरा, ओके थोड़ा मुझे देखना पड़ा कि यहाँ पे विजिबिलिटी है कि नहीं है, ठीक है. यहाँ पे देखेंगे बेटा कि विच एयरक्राफ्ट वॉज यूज बाय द US एयरफोर्स टू शूट डाउन द चाइनीज बैलून. ये देखा ना आपने कि यहाँ चाइनीज बैलून यहाँ पे दिखाई दे रहा था स्पाई जासूसी करने के लिए. तो अमेरिका ने कौन सा बेटा, इसमें अमेरिका की एयरफोर्स ने कौन सा एयरक्राफ्ट जो था वो यूज करा? ये क्वेश्चन बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है. दैट इज F-22 रैप्टर. याद रखना आपने F-22, ठीक है ना, दैट इज रैप्टर. F-22 रैप्टर जो था उसको यूज किया गया US एयरफोर्स के द्वारा, ठीक है, साउथ कैलिफोर्निया में जो वो नजर आ रहा था. ग्रैमी अवार्ड्स के बारे में भी आपने अभी रिसेंटली सुना होगा कि ग्रैमी अवार्ड्स दिए गए. तो यहाँ पे देखेंगे बेटा ग्रैमी अवार्ड्स में जो हिस्ट्री बनाई वो क्या थी कि हु ब्रोक द रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट ग्रैमी विंस टू एनी आर्टिस्ट स्कोरिंग हर 32nd प्राइज एवर. तो वो कौन है बेटा? दैट इज बियॉन्स. और उनको किसके लिए मिला है बेटा? ही गॉट दिस अवार्ड फॉर द रेनेसा. कौन से उसको आप बोलते हो कि एल्बम के लिए मिला है? दैट इज रेनेसा. ये आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है. अवार्ड से रिलेटेड मैं आपको एक PPT, जितने भी हमारे डिफरेंट अवार्ड्स है ना बेटा, उनको सबको हम डिस्कस जो है वो आगे करने वाले हैं, ठीक है. अगला क्वेश्चन भी बड़ा ही दुखद क्वेश्चन, मैं इसको बोल सकती हूँ दुखद है. क्वेश्चन दुखद क्यों है? क्योंकि आपको पता है टर्की में 3 बैक टू बैक अर्थक्वेक आए, पहले 7.8 फिर 7.5 फिर 6, ठीक है ना. मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक बहुत ही डिजास्टर होते हैं. आपके साथ में आंसर आपको पता है दैट इज इन टर्की एज वेल एज इन सीरिया. तो मोर देन समझ लो आपके 4000 पीपल तो टर्की में ही खत्म हो गए, बाकी आप कुछ सीरिया में भी समझ सकते हो. तो लेकिन इसमें एक बोला जा रहा है कि हिस्टोरिक गैजिन टैप कैसल है बेटा, गैजिन टैप एक कैसल है. पिक्चर आपको यहाँ पे दिख रही है, ठीक है ना. ये कोलैप्स हो गया ड्यूरिंग द 7.8 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक दैट स्टक विच कंट्री? दैट इज टर्की. तुर्की इसका नाम वैसे बदल के रख दिया गया है बट दैट इज टर्की. बहुत ही दुख की बात है कि किसी भी कंट्री के साथ ऐसे नेचुरल डिजास्टर जो है वो नहीं होने चाहिए. ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं. हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि हु वॉज द चीफ गेस्ट ऑन 73rd एनिवर्सरी फाउंडेशन डे ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो फाउंडेशन है ना बेटा वो कब हुई थी? 28th January 1950 को. मतलब जब हम रिपब्लिक बने उसके 2 दिन बाद. तो 73rd हमने एनिवर्सरी जो थी इसमें 73 ईयर्स पूरे हो गए वो हमने सेलिब्रेट करी. तो
उसमें कौन थे बेटा? दैट वॉज अ चीफ जस्टिस ऑफ सिंगापुर. कौन बुलाए थे हमने? चीफ जस्टिस ऑफ सिंगापुर बुलाए थे और उनका नाम था सुंदरेश मेमोन. ठीक है, ये जो सुंदरेश मेमोन है ये चीफ जस्टिस ऑफ सिंगापुर हैं, जो किसके बेटा? इंडियन ओरिजिन के हैं. तो इनको एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया था. क्वेश्चन आप समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है. ठीक है, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एट विच प्लेस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द कंट्रीज बिगेस्ट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट. मतलब देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ पे इनॉग्रेट किया है? हैदराबाद में, तुमकुरु में, ठीक है, अहमदाबाद में और नागपुर में. तो बेटा ये तुमकुरु विच इज इन कर्नाटका, वहां पे इनॉग्रेट किया गया है. ठीक है, सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर बनाने का प्लांट अंडर द आत्मनिर्भर भारत स्कीम है ना. यहां पे अगर आप देखें बेटा, आपका जो है ये तुमकुर, आफ्टर इनॉग्रेटिंग द कंट्रीज बिगेस्ट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हियर इन कर्नाटका, मतलब वहां पे उन्होंने इसको क्या किया बेटा? इनॉग्रेट किया. और इसमें उन्होंने क्या बात बोली जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम ये इसकी पेस बनाने की पेस जो है बेटा वो ज्यादा कर देंगे, सो दैट कंट्री जो है वो बाय 2047. सिंपली अगर आपको बताऊं तो इसमें प्रधानमंत्री जी ने अपने लेक्चर में बोला कि हम कंट्री में जो डेवलपमेंट पेस है हर एक फील्ड में, हर एक जगह में इतनी कर देंगे कि बाय 1947 कंट्री विल बी डेवलप्ड. हमारी जो देश की चर्चा है वो कैसे देशों में हो? डेवलप्ड कंट्रीज में हमारी चर्चा हो. ठीक है ना, तो ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बेटा वो बन सकता है. समझ में आ गया? इसी के साथ में बेटा आज के करंट अफेयर्स हम यही खत्म करेंगे. कल के फिर आपको 9:00 करंट अफेयर्स मिल जाएंगे इन अ रिकॉर्डेड फॉर्म, आपने जरूर देखने. आपको कोई भी डाउट रहेगा आपने कमेंट बॉक्स पे नीचे लिख देना, आई विल प्रोवाइड यू आंसर. विद दिस, जय हिंद जय भारत.